हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स, वेलकम टू सेलिब्रिटी स्पीक्स। आज की जो सेलिब्रिटी है ना, ये कमाल के हैं। इन्होंने बहुत सारी फिल्में की हैं, बहुत सारी सीरियल की हैं। चलिए मिलते हैं। हाय, दिस इज रूषा अदराना हियर एंड आई वुड लाइक टू वेलकम यू टू जॉइन फिल्म्स। क्या नाम है तुम्हारा? कहा था ना सरप्राइजेस और भी। किस लिए? पास हो गया। नाइस। हाय। हेलो सर। आई एम सॉरी, उस हीरोइन ने बदतमीजी की तुम्हारे साथ। क्या? पप्पा मली गया 50 लाख रुपया। वैसे मैं जानता हूँ उसने ऐसा क्यों किया। यू नो, किसी भी लड़की के लिए खुद से ज्यादा खूबसूरत लड़की को एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल होता। पूरा हिंदुस्तान हिल चुका था, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए हार थी, क्योंकि हमारा मकसद मुंबई की उस तबाही से कहीं ज्यादा बड़ा था। पर अफसोस, हमारे एजेंट्स कमजोर थे और इंडियन इंटेलिजेंस कहीं ज्यादा मजबूत। तुझे क्या लगता है तू जीत गया है? सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। रुशाद, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपने समय निकाला आए। और अभी आपकी जो फिल्म आ रही है एकता जी, 13 तारीख को रिलीज होने वाली है जी, उसमें जो आपका करेक्टर है, जो आपने बस बताया ब्रीफ, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा जी, है ना, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज जी। तो एक्चुअली एकता में मैं प्रोफेसर फिलिप नाम का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया, पुराने ज़माने में जो हॉरर फिल्म्स में जो तांत्रिक टाइप के लोग जो किरदार निभाते थे, जो भूत निकालने का वो जो कैरेक्टर वो करते थे, तो मैं इस आज की दौर की इस फिल्म में एक मॉडर्न तांत्रिक तो नहीं बोल सकता, बट आई एम अ प्रोफेसर। और इस बंदे ने मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को लेकर बहुत सारी पढ़ाई की है। ओके, मास्टरी की है। तो एकता फिल्म में एक ऐसा दौर आता है, एक ऐसा जंक्चर आता है फिल्म में जहाँ पे लोगों को समझ नहीं आता कि अब किया क्या जाए। तो दैट्स वेयर आई एंटर द फिल्म। मेरी एंट्री काफ़ी लेट होती है और प्रोफेसर फिल्प को बुलाया जाता है कि आप देखिए इसको, मतलब ये क्या बातें कर रही है लड़की, ये क्यों मतलब पोजेस्ड टाइप ऐसे बिहेव कर रही है, तो क्या मामला क्या है। तो दैट्स व्हाट प्रोफेसर फिल्प कम्स इन और वो फिर कैसे चीजों को मतलब सॉल्व करने में वो कैसे कामयाब होते हैं, बस वही कैरेक्टर है जी। ओके जी। तो शायद पहले जैसे आपने कहा कि पहले के जैसे बाबा होते थे वैसे नहीं थे जी। तो भी एक्टर क्या होता है कि हम लोग रेफरेंसेस लेते हैं जी। अच्छा, ये ऐसा दिखता होगा, ऐसे बोलता जी, होगा जी। और उस टाइम तो जो तांत्रिक होते उनके मैनरिज्म भी बड़े अलग से होते ना, लाउड से। बिल्कुल, बहुत। तो इसको फिर प्रिपेयर कैसे किया आपने, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है? एक्चुअली नहीं, देखिए मेरे डायरेक्टर सर जो है सुमन रेड्डी सर, उन्होंने कुछ इमेजेस मुझे दिखाई जब मैं पहली बार उनको मिलने गया। और आई थिंक सेकंड टाइम लुक टेस्ट के टाइम पे उन्होंने मुझे कुछ इमेजेस दिखाई। तो इमेजेस में उन्होंने मुझे रेफरेंसेस दिखाए बहुत सारी हॉलीवुड फिल्म्स के। ओके। तो और उन्होंने बहुत क्लियरली मुझे बोला कि ये बंदा जो है वो एकदम ही एग्जीक्यूटिव लुकिंग बंदा है, फॉर्मल। उनका बहुत क्लियर ये था कि ये बंदा व्हाइट शर्ट पहनेगा, फॉर्मल ट्राउजर पहनेगा, एक लॉन्ग टाइप का ओवरकोट पहनेगा। तो उन्होंने एक लुक का रेफरेंस मुझे बता दिया था। और जिस तरह की लाइनें जब मुझे मिली कि जिस तरह से ये बंदा बातें कर रहा है वो कर रहा है, तो उससे ऑटोमेटिकली समझ में आ गया कि ये जो बंदा है वो तांत्रिक टाइप, ओवर द टॉप टाइप का कैरेक्टर नहीं है। ये एक पढ़ा लिखा आदमी है जो लॉजिकली चीज़ों को सॉल्व करता है। तो इसीलिए हमने जो सीन्स भी किए हैं वो बहुत ही सटल, बहुत ही कंट्रोल्ड टाइप का परफॉर्मेंस किया है। पहले ही मुझे बोला था हमारे जो राइटर है विकी खंडपुर जी, उन्होंने पहले ही मुझे बोला था कि कंट्रोल्ड बंदा है और ही इज़ कॉन्फिडेंट। उन्होंने ऐसी कई सारी चीज़ें उन्होंने सॉल्व की है, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम फॉर हिम। तो वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो करेगा बंदा। हाँ, तो एक ठहराव है कैरेक्टर में, एक कॉन्फिडेंस है कि जो भी हो हम लोग इस मामले को निपटा लेंगे, नॉट टू वरी। तो इसलिए परफॉर्मेंस वाज वेरी सटल, वेरी कंट्रोल्ड, नो तांत्रिक टाइप ऑफ थिंग्स वर इन्वॉल्व। और जैसा कि मैंने आपको बताया, रेफरेंस के तौर पे जो लुक रेफरेंस मुझे दिया था, आई न्यू के व्हाट आई वाज सपोज्ड टू डू। ओके। वैसे भी अगर ये भूतों को कंट्रोल कर लेता तो कंट्रोल बंदा तो होगा ही होगा। और क्या बचा फिर कंट्रोल करने। अच्छा रुशाद, जब आप टीवी करते हो और जब आप फिल्म करते हो, तो एज एन एक्टर क्या फर्क फील होता है? फर्क फील यही है टीवी और फिल्म्स में कि टीवी इज 2 मिनट मैगी नूडल्स। आपको तुरंत
चीजें करके आपको डिलीवर करनी होती है. व्हेनेवर आई एम ऑन अ टीवी सेट, एक ही चीज हमें बताई जाती है कि भाई ये सीन डिलीवर करना है, ये एपिसोड डिलीवर करना है. यहां तक कि हम सेट पे पहुंचते हैं उसके बाद हमें स्क्रिप्ट्स मिलती है. सो देयर इज नो प्रेपरेशन टाइम फॉर एन एक्टर. प्रेपरेशन टाइम फॉर एन एक्टर टीवी सीरियल्स में यही होता है कि जब दूसरे आर्टिस्ट का मेकअप चल रहा होता है तो आपका टाइम है प्रिपेयर करने का, एज सिंपल एज दैट. और पूरे टाइम ये प्रेशर होता है कि डिलीवरी करनी है, डिलीवरी करनी. कई बार तो हम सीन्स शूट करते हैं, ये एक सीन शूट हुआ नहीं कि उन लोगों ने रनर को भेजा विद द फुटेज की जाओ भाई एडिटिंग पे लेके जाओ. ओके सो ये टीवी की वर्ल्ड है. मूवीज में ऑब्वियसली चूंकि आपके पास टाइम है, आपके पास प्रेपरेशन करने का टाइम है. मूवीज इज दी ओनली प्लेस जहां आपको स्क्रिप्ट बिफोर हैंड दी जाती है. आप अपने सीन्स को याद करते हैं, सीन्स पे काम करते हैं, एक कैरेक्टर पे काम करते हैं. और क्या होता है कि एटलीस्ट फॉर मी एज एन एक्टर, जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ या सीन पढ़ता हूँ तो एक मेंटल पिक्चर हम बना लेते हैं कि इसका विजुअल ऐसे होगा, मैं शायद ऐसे बैठा होऊंगा, या डायरेक्टर ऐसे करवाएगा वैसे करवाएगा. तो वो जो एक मेंटल पिक्चर जो बनना होता है ना, वो फॉर एन एक्टर आई थिंक बहुत जरूरी है. बिकॉज फिर क्या होता है, आप जब ऑन द सेट जाते हो तो यू आर आई वुड से 80% प्रिपेयर्ड. तो डायरेक्टर को फिर सिर्फ आपके साथ थोड़ी सी ट्वीकिंग करनी पड़ती है कि भाई ये थोड़ा सा ना, ये थोड़ा ऐसे ले ले, ये थोड़ा वैसे ले ले. बट इतना ज्यादा मतलब उस पर काम नहीं करना होता. और फिर उसके लिए भी वहां अच्छा टाइम मिलता है. ऑफ कोर्स कुछ इंप्रोवाइज किया, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स बहुत टाइम मिलता है. सीरियल में या टीवी में तो स्विच ऑन स्विच ऑफ फटाफट करो. करेक्ट है ना, करेक्ट. टाइम नहीं, कोई टाइम नहीं. और सीन्स का कोई ग्राफ नहीं रहता है. एक मिनट आप सुबह में आप एक हैवी ड्यूटी ड्रामेटिक सीन कर रहे होते हैं, बाद में लंच के बाद आपको पता चला कि कहीं कुछ नोक झोंक वाला कोई कॉमेडी वाला सीन आ गया. तो एज एन एक्टर यू हैव टू बी वेरी वेरी, मतलब आप वो मेथड एक्टिंग वाले जोन में अगर आप घुस गए तो आप टीवी करने से रहे. तो रुशाद, एक और चीज जो मैंने महसूस की है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि पहले क्या होता था, फिल्मों में ना करेक्टर रोल हो, पैरेलल लीड के रोल हो, उनके लिए ना फिक्स लोग होते थे कि यही करेंगे, वही हर फिल्म में दूसरी फिल्म में वही नजर आते थे, वही पांच छह गिने चुने लोग थे. करेक्ट. लेकिन अभी जो एक्सेप्टेंस आया है कि यार कास्टिंग उस तरह से होगी, इस कास्टिंग के बारे में आप क्या शेयर करोगे? जी आई थिंक अब हमारे वहां पे जिस तरह से कास्टिंग होने लगी है, आई वुड से मोर और लेस बहुत बहुत ज्यादा हॉलीवुड फिल्म की तरह होने लगी है. okay. पहले हम हॉलीवुड फिल्म जब देखते थे तो हम सोचते थे अरे यार ये इस रोल में कितने अनकन्वेंशनल बंदे को आप लेकर आए हैं ऐसा रोल प्ले करने के लिए. लेकिन उसके मुकाबले जब हम हिंदी फिल्म्स देखते थे, जैसा कि आपने कहा, सब वो गिने चुने कैरेक्टर आर्टिस्ट होते थे. आपको पता था कि नौकर का रोल यही बंदा करेगा, पुलिस इंस्पेक्टर का रोल यही बंदा करेगा, कमिश्नर का रोल यही करेगा, अल्कोहलिक डॉक्टर और वकील तक भी सेम होते थे. करेक्ट, वो सेम होते थे. अब आज के जमाने में थैंक्स टू द कास्टिंग डायरेक्टर्स इन आर इंडस्ट्री, आई वुड से कि अब ये जो कास्टिंग डायरेक्टर्स का एक पूरा एक दौर आया है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. और एक बहुत अच्छी चीज हुई है हमारे फिल्मों में, बिकॉज एज एन ऑडियंस आपको अनकन्वेंशनल चेहरे देखने को मिलते हैं. जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने ब्लैकमेल फिल्म देखी इरफान खान साहब की, और उसमें अगर आप जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स नहीं बोल सकते, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इन द फिल्म जो आप देखेंगे, वो इतने अनकन्वेंशनल फेसेस हैं, लेकिन इतना गजब का काम उन लोगों ने किया है और इतनी मतलब बेहतरीन परफॉर्मेंस उन लोगों ने दी है, तो आपको एक एज एन ऑडियंस आपको एक फ्रेशनेस लगती है. और मैं आज भी जब फिल्म देखने जाता हूँ, मैं एज एन इंडस्ट्री पर्सन फिल्म नहीं देखता हूँ, मैं एज एन ऑडियंस फिल्म देखता हूँ. मुझे वो टच होनी चाहिए, मुझे एंटरटेन होनी चाहिए, मुझे टेक्निकल उसका इतना ज़्यादा, ये बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि यार इस पिक्चर में तो यार वो एक्सिस जंप किया उसने कैमरा का, ये हुआ फो. मैंने बोला भाई मुझे वो सब आइडिया, मैं मुझे पिक्चर छूनी चाहिए, मुझे एंटरटेन होना चाहिए. तो वहाँ जहाँ एक्टर्स की हम बात करते हैं, आज जो कैरेक्टर रोल्स, सेकेंडरी रोल्स, यहाँ तक कि इवन नेगेटिव रोल्स वगैरह जो लोग प्ले कर रहे हैं, वो बहुत ही अनकन्वेंशनल फेसेस प्ले करने लगे हैं. बहुत नए लोगों को थिएटर वगैरह से उठाया जा रहा है, उन्हें चांस मिल रहा है. तो आई थिंक ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है. और अगर मैं अपनी बात करूँ तो एज एन एक्टर फिर ऐसे क्या हो जाता है कि फॉर बिकॉज ऑफ द कास्टिंग डायरेक्टर्स एंड ऑल दैट, क्या होता है कि उनमें ये डेयरिंग होती है कि चल यार रुशाद, तेरे को लोगों ने ऐसे ही रोल्स में देखा है, अब मैं तेरे से ये करवाता हूँ, ओके तू ट्राई कर.
लेट्स डू एन ऑडिशन, लेट्स डू अ रीडिंग. ओके, तो उसमें क्या होता है कि एक्टर्स को भी कुछ चैलेंजिंग मिलता है. अब हर फिल्म में अगर आप मुझे बोलोगे आप प्रोफेसर फिलिप प्ले करो, तो मैं बीइंग एक्टर तो डेड, मैं आप डेड हो जाओगे. राइट राइट. तो थैंक्स टू द कास्टिंग डायरेक्टर्स आज हमारी फिल्मों में ये नए लोगों को बहुत चांस. बिल्कुल 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 सकता है. अच्छा रोशद, अभी कहा आपने कि ऑडिशन देना पड़ा, क्या इतना काम करने के बाद भी आज आपको ऑडिशन देने पड़ते हैं? जी, मैं हफ्ते में ऑन एन एवरेज अगर सच बोलूं तो 5 से 6 ऑडिशंस देता हूं. देयर आर टाइम्स मैं दिन में 2-2, 3-3 ऑडिशंस देता हूं, चाहे वो एड फिल्म हो, फिल्म्स हो, टीवी सीरियल्स हो. बट आई जस्ट फील कि आप करते रहो और आपको जो मिलना होगा आपको मिलेगा. एंड और मैं शुरू से जब न्यू कमर्स भी आते हैं मुझे पूछते हैं कि यार आप कुछ टिप्स देंगे, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप ऑडिशंस को हल्के में मत लीजिए. यू टेक योर ऑडिशंस वेरी सीरियसली, बिकॉज फॉर एन एक्टर अगर आप देखें तो वही आपका रियाज है. वही अगर आप सिंगर हैं तो आप रूम में हारमोनियम लेके बैठ गए, आपने 3-4 घंटे रियाज किया. एज एन एक्टर आप क्या रियाज करते हैं? घर में आराम से बैठे हुए, घर में आराम से बैठे हुए ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं? आप फिल्में देख सकते हैं, लेकिन जो एक परफॉर्मेंस नहीं आ रही. करेक्ट, जो एक आप कैमरा के सामने जो आपको करने का मौका मिलता है वो आपको ऑडिशंस में ही मिलता है. तो आई टेक माई ऑडिशंस वेरी सीरियसली, मैं उस प्रोसेस को बहुत एंजॉय करता. Yes, I don't enjoy being made to wait. दो तीन घंटे की जो वेटिंग होते हैं वो तो अब आपको जरूरत भी नहीं होगी. आप जाके बस प्रिपेयर करते हो. नॉर्मली कितनी देर में आप ऑडिशन में अपने डायलॉग प्रिपेयर कर लेते हो? About 10 minutes. ये सबके लिए बहुत आश्चर्यजनक बात है, अद्भुत है. नहीं, मैं फॉर्चुनेटली स्कूल में अच्छा स्टूडेंट हुआ करता था, तो मेरी मेमोराइजिंग स्किल्स काफी ठीक ठाक है, काम आ रही है. तो वो काम आ रही है. वेरी गुड. तो रिशाद, अब ये फिल्म आने वाली है जी, इस फिल्म से आपको क्या उम्मीदें हैं? काफ़ी सारी उम्मीदें हैं, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो ट्रेलर लॉन्च हमारा लास्ट वीक हुआ उससे हमें बहुत ही गजब का फीडबैक मिला है. बहुत अच्छा फीडबैक मिला है. सब लोग बोल रहे हैं, मतलब हमने सोशल मीडिया, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी जो शेयर किया है, तो सबका ये कहना वाओ, अमेजिंग, टू गुड, आई वॉन्ट टू वॉच इट. कब रिलीज हो रही है? तो ये जो फीडबैक जब आपको एक फिल्म के लिए मिलता है तो बहुत पॉजिटिव फीडबैक है. और हमने फिल्म भी, हमने एक स्क्रीनिंग हुई थी 2 महीने पहले, उसमें हमने फिल्म देखी है. फिल्म बहुत अच्छी बनी है. तो उम्मीदें तो काफ़ी हैं, बिकॉज आप अगर एक प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं और अगर वो एक अच्छा प्रोजेक्ट है तो आप चाहेंगे कि मैक्सिमम लोग उसे देखें, बॉक्स ऑफिस पे वो अब अच्छा बिजनेस करें. बट एज एन एक्टर रुशाद, अब क्या करना चाहते हैं? आपकी जो विषय, एक्चुअली मैं सब कुछ करना चाहता हूँ अभी भी. मतलब आई फील आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ एवरी प्लेटफॉर्म दैट इज देयर. एक दौर था मेरी लाइफ में जब मैंने 3 साल तक टीवी को बहुत निग्लेक्ट करके मैंने सिर्फ फिल्म्स पे फोकस किया. ओके. और वो जो मेरा डिसीजन था, मेरी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन था. ओके. तो अब मैंने उसके बाद मैंने ये किया है कि जस्ट गो विद द फ्लो. आप करते रहिए, आप जो आपको ठीक लगे आप करते रहिए. और अगर और आप अपने सक्सेस को कंट्रोल नहीं कर सकते. मैं पहले समझता था कि मैं ऐसे करूंगा ना, मैं ये प्रोजेक्ट नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, तो शायद मुझे इतना नाम मिलेगा, ये होगा वो होगा. अगर मैं सिर्फ फिल्म्स पे फोकस करूंगा तो करियर ग्राफ मेरा ऐसे. इस लाइन में आप अपनी सक्सेस या अपनी ग्रोथ को कंट्रोल नहीं कर सकते. तो अब मैंने अपने आप को खुला छोड़ दिया है. जैसा कि मैंने शुरू में जब स्टार्ट किया था, आई वाज लाइक, मेरा एटीट्यूड यही था, करते जाओ, पता नहीं क्या होता है. एंड एट दैट टाइम आई वाज प्रीटी मच सक्सेसफुल आल्सो, और मैं बहुत खुश भी था, बिकॉज मैं काफी काम कर रहा था. आई वाज वेरी बिजी. मतलब मेरी मॉम इनफैक्ट कभी कभी मस्ती में ये कहती थी कि यार हमें तो लगता है कि तू पीजी है हमारे घर पे, रात को आता है, सो खाना खा के सो जाता है, सुबह नहा के निकल लेता है, और कोई आता पता नहीं होता, यू नो. तो मैं चाहता हूं कि मेरी लाइफ में वो दौर फिर से आए. हालांकि अब जब मैं फिल्म्स को चेज करना मैंने बंद कर दिया है, फिल्म्स अपने आप आ रही है. एक और फिल्म मेरी रिलीज ऑलमोस्ट रेडी हो रही है, कॉल्ड थर्ड आई. दैट इज ऑल्सो एन वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. और बाकी टीवी वगैरह में तो मेरे ऑडिशंस वगैरह चलते रहते हैं, अब देखते हैं क्या आता है. ठीक है शायद, बहुत कुछ आपने बताया और बहुत कुछ आपने सिखाया आज, जैसे कि मुझे लगता है नए लोगों को तो बहुत हेल्प मिलेगी. तो जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको एकता फिल्म कैसी लगी, रुशाद का काम कैसा लगा, उनका जो एग्जीक्यूटिव तांत्रिक बाबा वाला रोल है वो कैसा लगा. और ज़रूर फिल्म को देखिएगा और अपनी राय दीजिएगा. रुशाद, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट. सो दोस्तों, आज का वीडियो भी बहुत बहुत एंटरटेनिंग भी था, इंटरेस्टिंग भी था, और बहुत सारी नॉलेज से भरा हुआ था.
रुसाद ने भी बहुत दिल खोल कर अपनी सारी बातें रख दी। जॉइंट फिल्म्स कम्युनिटी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्री के अब लोग भी यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो सके। और ये बात तभी अच्छी है जब आप वीडियोस को बहुत अच्छे से शेयर करें, अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करें, इस वीडियो को भी खूब शेयर करें, खूब लोगों तक पहुंचाएं, बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलेगी। लेकिन रुशाद से जो हमने सीखा उसको एक बार ना थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं, सम अप कर लेते हैं। रुशाद से हमने सीखा कि आपको हमेशा ऑडिशन देते रहना चाहिए। देखिए आज इतने सालों के करियर के बाद भी वो लगातार ऑडिशन दे रहे हैं और यही वजह है कि वो लगातार काम भी कर रहे हैं। दूसरी बात हमको समझने को मिली कि अगर आपको फिल्में करना है तो आजकल बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं और अब कास्टिंग का तरीका भी बदला जा चुका है, तो हर तरह के लुक के लिए, हर किसी के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम है। तीसरा ये उन्होंने जो बताया लास्ट में कि आपको ना फ्लो के साथ चलते रहना चाहिए, जिस तरह का काम मिल रहा है अगर आपको पसंद है तो करते रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्लानिंग भी कई बार गड़बड़ हो जाती है, जो उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया कि उन्होंने 3 साल तक टीवी नहीं किया इस वजह से कि उनको फिल्में करनी थी, जो कि उनको बाद में रियलाइज़ हुआ कि गलत था। कोई बात नहीं, यही एक अच्छे एक्टर की, अच्छे प्रोफेशनल की निशानी होती है कि वो अपनी की गई गलतियों से समझे भी और उसमें सुधार भी लाए। और सबसे बड़ी बात तो ये कि रुशाद ने वो सब चीज़ें आपके सामने ओपनली शेयर भी कर दी। उनका बहुत बहुत शुक्रिया है, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगा जरूर बताइएगा। इन सेलिब्रिटीज़ ने जो भी सीखा सब कुछ सिखाया, फिर मत कहना नहीं बताया।